उम्मीदवार ने वो खुद ट्रैक्टर चला के शहर कुराली के अंदर लेट हो चुकी है कंपेन सारी किमें दा माहौल लगता पंजाब दे विच तुहानू भाई जी? अज असी खरड़ हल्के आए हाँ पर बैजवाल जी जिन्होंने टिकट मिली आ इन्हां दी सोहनी टीम है जिन्हें काफ़ी मेहनत की आ सिंघू बॉर्डर से सो बड़ी खुशी नाल इत्थे आए हाँ और इन्हां लई प्रचार करन दा मौका मिलिया। लेट जरूर आ पर गल ये लड़ाई मुद्दों की आ, हर जित तो भी वड्डी लड़ाई आ मुद्दों की, लोगों तक मुद्दे लैके जाने, लोगों को जागरूक करना। वो जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कोई सियासतदान तुहाडे पिंड जाए उन्हें सवाल करो, उन्हें सवाल करो कि जो संघर्ष चलन दिया सी दिल्ली बॉर्डर से तुसी कित्थे सी? अज करोड़ों रुपए ये बैनर से लाउंदे आ झंडिया लाउंदे आ। मैनू याद है पिछले 12 महीने असी पिंड चो दुध इकट्ठे करते सी, पानी इकट्ठा करते सी, अनाज इकट्ठा करते जेडे करोड़ों रुपए अज बैनर से झंडिया लाउंदे आ। जे उ पैसे उस टाइम पर भेजे होंगे जड़िया ये रैलियां कढ़ते हैं जो उ पावर ये दिल्ली बॉर्डर से लैके आए होंगे, हो सकता साडा जो अंदोलन 12 महीने चलिया एक महीने तो पहला ही खत्म हो जाता। सो गल हर एक पुछनी पैनी, वेखनी पैनी है तुसी किहड़े झंडे अपने घर से लाते हो, क्योंकि कितने वो झंडे ना ला लो जिन्हों के करके 733 शहीद होए। खरड़ हल्के आए हैं, काफ़ी वधिया रिस्पोंस आ। देखो जिते जिते असी जा रहे हैं, जिते जिते असी मुद्दे लैके जाने उत्ते रिस्पोंस वधिया ही मिल रहा। डॉक्टर साहब ईडी की रेड हुई है, चन्नी जी कह रहे हैं कि यह बिल्कुल गलत रेड हुई है, इसके बारे थोड़ा की कहना है? एजेंसियों का कारनामा दस रहे हैं। हाँ जी वधिया गल, ठीक गल है, उन्होंने की गलत रेड हुई है थोड़ी जी पहला होनी चाहिए ही, शायद ये जो काम है माफिया पहला रुक जाता। सो मैं कहना कि ये रेडा पैंदियां रहनियां चाहीदियां, पर यह नहीं कि जो इलेक्शन आ गई उदों पैण, ये 5 साल के पूरे पैने चाहिए, क्योंकि कल चन्नी जी नहीं जिहड़ा माफिया च इनवॉल्वड है, बहुत ऐसे सियासतदान ने जिहड़े नशे का व्यापार करते हैं, जिहड़े अलग अलग माफिया च इस वेले काम कर रहे हैं। सो ये रेडा पैनिया चाहिए वा, पर ऑब्वियसली चन्नी साहब ने ठीक किया, वो थोड़ा जिहा लेट हो गए। दर्शना चाहिए हर एक दे उत्ते, वेखो कोई सब नूं पता ही आ पैसे उपरों तो डिगदे नहीं आ, जिन्हां दी अज करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गई आ, और कभी वो ऐसे सी जिन्हां दी लखां च प्रॉपर्टी सी, जां करोड़ां डबल ट्रिपल चार टाइम करते, उन्हां विच शायद वो अरोड़ा जी भी आ आम आदमी पार्टी दे, उन्हां दी भी बड़ी वधिया। सो उन्हां सारे ते मैनूं लगदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और असीं अपनी पार्टी दे अज 20 पॉइंटां चों गल दसी आ कि असीं सिस्टम विच लभांगे की प्रॉब्लम आ जिहदे करके करप्शन वर्गी चीज़ पैदा हुंदी आ। सो जरूर, सो होर भी बहुत लोग ने अलग अलग पार्टियां च ने जिन्होंने बहुत गलत काम किए, इन्होंने पंजाब के स्कूल खा ले, यूनिवर्सिटियां खा लिया वा, हॉस्पिटल खा ले, पंजाब की जवानी खा ली आ, नशा दे व्यापार किया। सो उन्होंने सारे रेडा पैनी चाहिए, सरकार धन किया लोगों का खून चूस चूस के, उन्होंने लुट के तुम काला धन किया, तो फिर रो गया। फिर तो मैं यही कहूँगा असी तो इन्वेस्टिगेशन खोलेंगे, ये सारिया चीज़ें तो खोलेंगे, और मैं सरकार भी कहूँगा 5 साल सारे पता कि जो इतने काला धन इकट्ठा किया गया कांग्रेस सरकार ने अपनी जेबा भरिया, पर गल लोगों सियाने बनना पैना। जो तुम इलैक्शन से 1000 रुपया दे के वोट पा दें हो तो तुम ये कुछ करवाते हो, गल तो तुम हूँ समझो ना, मुद्दे की राजनीति करो, 1000 तो विको ना, जो थोड़े ही 1000 इकट्ठे करते करते 5 साल थोड़े 1000 रुपए लै लेंगे। सो गल थोड़े तो आँदी है, तुम कितने मोहर लाओगे? लोगों अपनी आदत से आप सियासतदाना उंगल कहने, सब तो पहला अपने वाल उंगल करो, तुम वोट किनू पाई सी? तुसी जिताने वाले हो इन्हों, चन्नी साहब ने तुसी जिताया, बाकी तुसी ऐतकी ना जिताओ, सब तो वड्डा तो तुसी हो ना, सो गलतियां तुसी कर रहे हो। डॉक्टर साहब सत्ता च तुसी आउने हो ते सब तो पहला काम की करोगे? सब तो पहला जिहड़ा मेन काम साढ़े पंजाब दे पानिया दा मुद्दा जी, इस वेले आम आदमी पार्टी दिल्ली की सानू 3600 करोड़ देना उन्होंने हर एक साल का, पर देंदे 1 रुपया भी नहीं है। सो राजस्थान ने 3600 करोड़ देना, सो सब तो पहला जिहड़ा साडा पंजाब दा पानिया दा मसला वा उहनू सॉल्व करांगे। केजरीवाल साहब कहिंदे मैं 300
मजबूर कर रहे दिनों दिन जो पानी डूंगे हो रहे नहरी पानी चोरी कर रहे जिन्हों के बहुत तत् ने और सानू जिहड़ा मजबूरन वो पानी पीना पै रहा जिहड़ी कैंसर नाल भरिया पिया सो सानू फ्री की लोड़ नहीं सानू मंगते ना बनाओ बाबे नानक की कौम है किरती कौम है किरत करना चाहते हैं सानू मंगते ना बनाओ सानू लोड़ है साडे हक्कां दी पानी दो सानू साडी बिजली तुसी चोरी कर रहे हो इस वेले पंजाब की बिजली बाहर जा रही है और पंजाब के हक मारे जा रहे हैं ये चीज़ा तो असं लड़ांगे डट के लड़ांगे और मैं हर एक पंजाबी कहूँगा जिहड़ा झंडी फिर झंडा फड़ी फिरदा बाकी पार्टियां दे पंजाब दा मतलब पंजाब पंज दरियावां दी धरती तिन्नां पार्टियां ने पंजाब दे पंज दरियावां नूं लुट्टिया पिछले 70 साल तो अज आम आदमी पार्टी भी दिल्ली च बैठी लुट रही है जे कल उहनां दी सरकार पंजाब च आ जांदी तुसीं आपे ही सोच लो जिहड़ा हुण लुट्टण दे कल किन्ना लुट्टणगे डॉक्टर साहब क्योंकि जे तुहानूं तुहाडे हक पता हुंदे अज तुहाडे हक लोग चोरी कर रहे आ तुहाडीआं जिन्हां दे तुसीं झंडे ला के बैठे हो इन्हां ही पार्टियां आम आदमी पार्टी कांग्रेस अकाली पिछले 70 साल हो गए तुहाडे हक चोरी हो रहे हो तुसीं इन्हां दे पिछे भजदे हो और मैं जिहड़ा कैडर आ इन्हां दा नौजवान जिहड़े इन्हां दे फलायर बणदे फिरदे मैं उन्हां ते हैरान आ भाई जिन्हां ने तुहानूं खा लिया तुहाडे बचपन नूं खवा लिया तुहाडे बजुर्गां नूं खा लिया अज तुसीं उन्हां पिछे फोटोआं खिचाउण दे माते नाते उन्हां दे पिछे भज्जी जांदे पर एक वारी पुछो ते सही इन्हां सियासी पार्टियां नूं तुहाडे पंजाब दे पाणियां दे उत्ते की स्टैंड आ और जिहड़ी तुसीं गल कीती सही गल आ जे असीं अज सरस्वती नदी बनाउण नूं फिरदे आ गुजरात तक ते जिहड़ी पंजाब दीआं नदियां उहनां नूं क्यों मारंदे आ इह लग रिहा जी सीट कढांगे जी जरूर कढांगे बहुत वधिया लोक आप मुहारे तुर पे ने ये पार्टियां तों तंग आ गए ने जिहड़ियां पार्टियां ने सानूं पंजाब नूं लुट्टिया कसुट्टिया दस्सिया दे व्यापारी ने ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਇਆ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਹਰਫਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਵਰ ਬਾਈ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਵਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਬੂ ਮਾਨ ਆ ਮਾਈ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਲਾ ਮਾਰੋ ਉਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 733 ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੀ ਨੂੰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਚੱਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਓਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਦੁੱਧ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਖਲੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ 733 ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਫਲਾਇਆ 4.5 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਓ ਪ੍ਰਚਾਰ